टिकटॉक को प्रकाशित किया कि नहीं किया? हाँ, उसने वो भी काम किया। मतलब एक दीपक जलाया तो दीपक ने अपने को भी प्रकाशित किया, स्व को भी, और साथ साथ में अंधेरे में जो चीज़ें रखी हुई थी कमरे में, पूरे कमरे को उसने बताया। इसी प्रकार आत्मा का ये स्वभाव जानना देखना उसका स्वभाव। तो मुनिराज भी जंगल में बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो उनका ज्ञान भी स्व पर प्रकाशित, मतलब स्वयं को भी जाने पर को भी जाने, और दोनों काम एक साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दीपक जिस समय में अपने को प्रकाशित करता है उसी समय में अन्य पदार्थों को प्रकाशित करता है कि नहीं करता है। लेकिन हम लोग को केवल ज्ञान नहीं परमात्मा के जैसा, इसीलिए हमारे में वो ताकत है कि एक साथ में हम स्वयं को भी जान सके और दूसरों को भी जान सके। फिर भी जहाँ का हमारे को लक्ष्य रहता है वो चीज़ दिखती है, जहाँ का लक्ष्य नहीं रहता है वो चीज़ नहीं दिखती। अब मुनिराज का लक्ष्य कहाँ रहता है कि मन में विकल्प आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, उनको क्या ध्यान देना है, उनको उनका लक्ष्य किधर है, उनका नज़र कहाँ है, उनका नज़र देखने वाला कौन है। पहले विकल्प बहुत सारे आते थे और हमको मालूम पड़ता था, अब विकल्प नहीं आ रहे वो भी हमको मालूम पड़ता है। विकल्प भी बाहर थे और विकल्प नहीं आ रहे हैं वो स्थिति भी बाहर वाली है, पर्दे की है, मेरी स्थिति नहीं है, मैं तो पहले से ही जानने देखने वाला था। जब पहले से मैं जानने देखने वाला था तब पहले मैं विकल्पों को देखता था, अब भी मैं जानने देखने वाला हूँ लेकिन अब विकल्प नहीं है, निर्विकल्पता। लेकिन विकल्प वाली स्थिति हो चाहे निर्विकल्प स्थिति, देखने वाला कॉमन है। और मुनिराज को लेना देना किसके साथ है? देखने वाले के साथ। उनका जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ रहता है, इसीलिए मुनिराज को निर्विकल्प साधना बहुत होती है। और जब अपने आप को निर्विकल्प अपने जानने वाले को देखते हैं तो उस वक्त जो यदि विकल्प है वो नहीं दिखते यार? नहीं, दिख तो रहे हैं लेकिन हम देखते नहीं। जैसे इस कमरे में बहुत से लोग हैं, अब मुझे यहाँ देखना है तो मैं देखूँ तो दिख जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि प्रकाशित नहीं है। पदार्थ प्रकाशित तो है लेकिन मैं देखता नहीं हूँ इसलिए नहीं दिखता। नहीं, वो तो अपनी अपनी पोजिशन में अपने आप गौण हो जाता है, क्योंकि एक साथ में हम दो चीज़ को नहीं देख सकते। दिख रहा है लेकिन हम देखते नहीं, इतनी कैपेसिटी नहीं है कि एक साथ में। परमात्मा बनेंगे तो हमारा एक ही साथ में दोनों काम साथ में होगा, मतलब अपने को भी संपूर्ण रूप से देखना होगा और सारी दुनिया के सभी पदार्थों को भी, तीन काल, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, और जगत के जितने पदार्थ हैं उन सबको देखने की ताकत, और उसी समय में अपने आत्मा का अनुभव भी करना, ये दोनों रहेगा। लेकिन अभी हम परमात्मा नहीं बने, इसीलिए जब हमारा भले ही दोनों दिखते हैं स्व और पर, लेकिन जहाँ हमारा टारगेट रहता है वो हमको दिखता है। वेटेज आत्मा की तरफ है तो कोशिश अंदर की रहेगी, लेकिन वो मिलेगा जब वहाँ जुड़ जाएंगे। जहाँ नज़र पहुँचेंगी अंदर में, इसके नज़र पहुँचने से पहले हम कोशिश करते हैं क्योंकि हमारा वेटेज यहाँ देखने का, लेकिन नज़र पहुँचेगी उस घड़ी हम दूसरों को देखना बंद कर देते हैं। जब तक दिखता है नहीं, एट ए टाइम नहीं होता है। शक्तियाँ हैं, स्वभाव में शक्ति है, लेकिन हमारी शक्ति के अनुसार काम करने की कैपेसिटी नहीं है इस वक्त। हम लोग अभी अधूरी अवस्था में हैं, परिपूर्ण अवस्था में नहीं होने के कारण हम दोनों काम साथ में एक साथ नहीं कर सकते। परमात्मा कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। मतलब अभी अज्ञानी, ज्ञानी और परमात्मा, तीन फैक्टर बना लो। अज्ञानी को दोनों दिखता है, आत्मा और दूसरे पदार्थ, फिर भी उसने कभी आत्मा को देखने का प्रयत्न किया नहीं तो क्या हुआ? जब भी देखो तो उसने दूसरों को ही देखा, अपने को कभी नहीं देखा, एक सेकंड मात्र नहीं देखा। और परमात्मा की बात लेवे तो क्या है कि परमात्मा सिर्फ अपने को देखते हैं, दूसरा दिख जाता है, क्योंकि स्वभाव में वो ताकत है। स्वभाव में वो ताकत है कि दोनों एक साथ
देख सकते हैं। तो स्वभाव की जो कैपेसिटी है वो पूरी की पूरी परमात्मा में है, लेकिन उनका एंगल कहाँ है, उनका उनको क्या देखना है, उनको तो अपने स्वरूप को ही देखना है। अज्ञानी संपूर्ण रूप से बाहर है और परमात्मा संपूर्ण रूप से अंदर है, ये दो। अब बीच वाले का क्या, जिन्होंने अपने आत्मा को देख लिया है, संपूर्ण रूप से अंदर रह नहीं सकते, उनका क्या? तो जब उनका उपयोग आत्मा में आता है तब वो आत्मा को देखते हैं, जब और नहीं रहता अंदर तब वो बाहर वाले को देखते हैं। कैपेसिटी तीनों में बराबर है, चाहे अज्ञानी हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे परमात्मा हो, तीनों में इंटरनल कैपेसिटी जो है, तत्वों की कैपेसिटी है, वो संपूर्ण रूप से बराबर है। मतलब तीनों में वो शक्ति है कि वो एक साथ में दूसरों को और अपने को जान सके, लेकिन अज्ञानी अपने को जानने की कैपेसिटी का इस्तेमाल नहीं करता, वो 100% बाहर है। परमात्मा 100% अंदर है, और बीच वाले जो हैं वो जितना जितना प्रयत्न करते हैं उतना अपने अंदर आते हैं और बाकी का समय में बाहर चले जाते हैं। अब ये बीच वाले का है, वो तीन स्टेप होते हैं बीच वाले, जो आपके अप्रैल महीने के उसके अंदर आया है कि साधना, ज्ञानी बनने के बाद, आत्मा के दर्शन होने के बाद परमात्मा बनने के लिए जो यात्रा है उसके तीन स्टेप्स होते हैं। वो तीन स्टेप में सबसे पहले जो ज्ञानी होते हैं लोअर लेवल के, वो जस्ट लाइक के बच्चे के समान होते हैं, उनको सद्गुरु की बहुत ज़रूरत है, सत्संग की बहुत ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए। प्रश्न क्या करना वो भी उसको समझ में नहीं आता, कैसे आगे बढ़ना वो भी समझ में नहीं आता, पुरुषार्थ कैसे करना वो भी समझ में नहीं आता। इसमें बहुत सी मिस्टेक्स होती है, बहुत से लोग ज्ञानी हैं, 10-15 लोग ज्ञानी हैं, तो 10-15 ज्ञानियों में सब में मैचिंग नहीं होगा, किसी की भक्ति ज़्यादा है, किसी का आज्ञा पालन ज़्यादा है, किसी का आज्ञा पालन बराबर नहीं है, किसी का स्वच्छंद ज़्यादा दिखता है, ये सब अलग अलग क्वालिटी रहती है, किसी में कसाय ज़्यादा होते हैं, किसी में एकदम सरलता ज़्यादा होती है, ये क्या होता है, ये गुणों की लेवल बराबर नहीं है। बाहर में बहुत चेंजेस है, कोई मनमानी कर लेता है, ऐसे भी होते हैं, तो अलग अलग। तो ये लोअर लेवल के हैं, बच्चे के माफिक हैं, बच्चे का जैसा कि डिसिप्लिन नहीं होता है वैसे, तो उनका उपयोग अंदर कम और बाहर ज़्यादा रहता है। थोड़े बड़े होते हैं, समझदार होते हैं, तो क्या होता है कि इनको बोलना नहीं पड़ता है, 15-20 साल के बच्चों को बोलना नहीं पड़ता है कि तुम बराबर लेसन करो, कॉलेज जाओ, टाइम पे जाओ, ये करो वो करो, क्योंकि थोड़े बड़े हो गए। बिल्कुल 5-6 साल के बच्चों को तो पीछे ध्यान रखना पड़ता है, बड़े हो गए तो वो क्या होते हैं, अंदर भी रहते हैं और बाहर भी रहते हैं, और रेशियो है 50-50 ऐसा हो जाता है, अपनी भी संभाल लगते हैं और बाहर में बच्चे जैसा ही वर्तन कर लेते हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं, थर्ड स्टेप में आते हैं, तब मुनिराज के जैसा कि अब घर बार की परिग्रह की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आत्मसाधना के लिए वो अकेले जंगल में निर्वस्त्र होकर चले आते हैं, वहाँ अपने आत्मा का ही ध्यान रखते हैं। तो ये जो है ये साधना की टॉप लेवल है, अब वो इतनी साधना बढ़ाते हैं कि इससे बढ़िया साधना तो परमात्मा की होती है, मतलब इसके फल में नेक्स्ट स्टेप जो है परमात्मा का। साधना के तीन फैक्टर ज्ञानी के, जघन्य ज्ञानी, मध्यम ज्ञानी और उत्कृष्ट ज्ञानी। जघन्य ज्ञानी तो घर बार में रहता है, हो सकता है उसको पाप के विचार भी ज़्यादा आते हैं, पुण्य से भी ज़्यादा, लेकिन मध्यम ज्ञानी को पुण्य पाप का लेवल करीब करीब इक्वल जैसा रहता है, 50-50 जैसा। और फिर जो इसमें चले गए मुनिराज बन गए तो साधना की टॉप लेवल है, जिसमें उनको ज़्यादातर ध्यान अपने आत्मा पर रहता है, बाहर कम जाता है, आत्मा में ज़्यादा रहता है। तीनों साधना पूरी करने के बाद जो फाइनल स्टेज आता है वो परमात्म दशा है, अब अपना उपयोग कभी भी अपने आत्मा को छोड़ करके बाहर रहता ही नहीं। ऐसे अज्ञानी, फिर ज्ञानी के तीन फैक्टर और फिर परमात्मा। परमात्मा के दो प्रकार, एक तो परमात्मा साकार रहते हैं, देहधारी होते हैं, देह में रहने पर भी उनको केवल ज्ञान, पूर्ण शांति, पूर्ण वितराग दशा, ये सब है। जब उनका देह के साथ का कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है तब ये उनका निर्वाण का टाइम आ जाता है, इनका मृत्यु नहीं होता है, निर्वाण होता है। कि मृत्यु उसको कहते हैं कि वापिस बर्थ लेना है तो मृत्यु कहते हैं, वापिस बर्थ नहीं होता है, ये भगवान का निर्वाण होता है। तो क्या होता है कि देह बिखर जाता है और वो
निराकार स्टेज में पहुंच जाता हूं, वो ऐसी जगह पे दुनिया से बाहर ऊपर के शहर में ऐसे जगह पे जहां दूसरे बहुत से भगवान हैं वहाँ ये भी वहां चले जाता हूं। ये भगवान का स्थिति है, ये निराकार परमात्मा। जब तक पृथ्वी पे रहते हैं तब तक साकार परमात्मा, लेकिन पृथ्वी को छीते नहीं है, वो अंदर ही विराजमान, अंतरिक्ष में विराजमान होता है, लेकिन हम उनको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और जहाँ हमारी भावना होती है तो वहाँ उनका, जहाँ के लोगों का भावना होती है तो वहाँ उनका अपने आप बिना इच्छा के जाना आना होता है। तो ये इसका नाम क्या है, साकार परमात्मा। परमात्मा के दो रूप, जीवों के तीन रूप, अज्ञानी, ज्ञानी और परमात्मा। अज्ञानी के तो कोई क्लास नहीं है, वो तो हजार प्रकार है, और ज्ञानी के तीन क्लास हैं, जघन्य, मध्यम, उत्तम। और परमात्मा के दो क्लास हैं, साकार और आखिर में निराकार। हमारी मंजिल है निराकार स्थिति, हमारा स्वरूप भी ऐसा है। और जब हम संपूर्ण रूप से साधना कर लेंगे और टॉप पोजीशन होगी तो हम भी निराकार परमात्मा बन जाएंगे। अभी है हम, लेकिन पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ करेंगे तो हम भी निराकार परमात्मा बन जाएंगे। ये पूरा स्थिति इस प्रकार का। और बोलिए किसी प्रश्न। निर्विकल्प स्थिति होती है तब, संविकल्प स्थिति में नहीं। दो स्थिति होती है, हम जब आत्मा को देखने का प्रयास करते हैं तब ये जो प्रयास है वो संविकल्प है, और प्रयास के अंत में एक सेकंड के लिए, दो सेकंड के लिए निर्विकल्प अवस्था आती है। और जब निर्विकल्प अवस्था आती है तब दूसरे का ख्याल नहीं रहता कोई भी। हाँ, वेदन आता है तो भी, वेदन भी संविकल्प है, वेदन आता है वो भी संविकल्प है, मालूम पड़ जाना कि वेदन आ रहा है, ये संविकल्प स्थिति है। निर्विकल्प स्थिति में वेदन आ रहा है वो भी मालूम नहीं पड़ता है, सिर्फ अनुभव होता है। नहीं, आनंद जब अपना निर्विकल्प स्थिति में भी आनंद का अनुभव तो होता है, लेकिन भेद करके नहीं, अभेद रूप से। एक भेद वाली स्थिति है, एक अभेद वाली स्थिति है, जिसमें जैसे द्वैत बोलते हैं और अद्वैत बोलते हैं। द्वैत और अद्वैत में क्या अंतर है कि मैं आत्मा में अनुभव कर रहा हूँ, आत्मा का अनुभव कर रहा हूँ, तब अनुभव करने वाला ही मैं हूँ, और जिसका अनुभव करता हूँ वो भी मैं हूँ, लेकिन दो जने हो गए, जिसका अनुभव करते हैं वो और अनुभव करने वाला, फिर दोनों ही स्वयं है, लेकिन इतना हमने डिफरेंस किया ना, इसका नाम है द्वैत। और वो डिफरेंस भी ना रहे, इसका नाम है अद्वैत। मतलब एक भेद रूप है और एक अभेद रूप है। जब अभेद होता है तब निर्विकल्प शांति मिलती है। और वेद में नज़र परमात्मा के ऊपर होती है तब सविकल्प वेदन हो सकता है, लेकिन निर्विकल्प वेदन नहीं होता। हाँ, वो बाद में मालूम पड़ता है, उसी वक्त सिर्फ अनुभव में मालूम पड़ता है, लेकिन इसको भेद रूप से जानना, भेद रूप से जानना मतलब मन में वो ताकत कब आती है, कैसा हुआ था, ऑन दैट मोमेंट नहीं, अनुभव भले ही हो, अनुभव हो रहा है, मन को बाद में पता चलता है। जैसे बिजली चमकती है तो क्या होता है, प्रकाश पहले और आवाज़ बाद में आता है, ऐसा है ना। प्रकाश की स्पीड और आवाज़ की स्पीड में फ़र्क है, दोनों एक साथ वहाँ हुआ है, लेकिन अपने को क्या होता है, लाइट पहले आती है आवाज़ बाद में आता है। तो इसी प्रकार समझ लो कि निर्विकल्प अनुभूति होती है उस वक्त, सब कुछ जानकारी होती है, मैं परमात्मा में भी जानकारी है, आनंद भी आ रहा है उसकी भी जानकारी है, लेकिन मन को बाद में मालूम पड़ता है जब वो बाहर आता है तब। क्षणिक अवस्था है और उसमें पकड़ने की हमारी इतनी ज्ञान की योग्यता नहीं है कि ऑन द स्पॉट परमात्मा के जैसा हम पकड़ सकते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं अव्यक्त अनुभव और इसको बोलते हैं व्यक्त अनुभव। एक को बोलते हैं निर्विकल्प स्व संवेदन, दूसरे को बोलते हैं सविकल्प स्व संवेदन। कभी कभी सविकल्प संवेदन लंबा चलता है, तो लंबा जो समझो 5 मिनट का चला सविकल्प स्व संवेदन, नज़र आत्मा की महिमा में है और कंटिन्यूस फ्लो आ रहा है, एनर्जी फ्लो हो रहा है अपने आप संपूर्ण बॉडी में, और वो भी प्रोमिनेंट हो रहा है, ऐसा हो रहा है मानो। इस बीच में एक सेकंड के लिए
ये आ सकता है निर्विकल्प स्व संवेग, लेकिन हमको वो फ्लो के अंदर मालूम नहीं पड़ता, पकड़ में नहीं आता, लेकिन वो हो जाता है। हमको पकड़ में आता है वो बड़ी बड़ी बात है, मोटी मोटी सूक्ष्म जो होता है ना वो पकड़ में नहीं आता। तो 10 सेकंड का जो होता है निवेदन समझो, या 50 सेकंड का होता है, उसमें एक सेकंड बीच में निर्विकल्प हो सकता है। और वैल्यू किसकी ज़्यादा है? निर्विकल्प की ज़्यादा है, क्योंकि विकल्प वाली स्थिति में पुण्य का बंधन होता है और निर्विकल्पता में कर्मों का खात्मा होता है, संचित कर्मों का नाश होता है, वो किसमें? निर्विकल्पता में। इसीलिए परमात्मा बनने के लिए हमको निर्विकल्प स्थिति बढ़ाना है, और वो अपने आत्मा से जितना प्रेम करेंगे उसके हिसाब से, उसके अनुपात में पुरुषार्थ होगा और उसके अनुपात में हमारे को सिद्धि मिलेगी। मतलब हम शांति से बैठ नहीं सकते, एक दफे ज्ञान दशा आई तो बाद में शांति से बैठना नहीं, जब तक परमात्मा नहीं बने तब तक 24 आवर्स निरंतर साधना करने का ही मार्ग। सुबह पूजा भक्ति कर लिया, थोड़ा एक उपवास कर लिया, माला थोड़ी देर पहन ली, चलो अब धंधा करो बिजनेस करो, नहीं ऐसा मार्ग नहीं है। 24 आवर्स कंप्लीट अवेयरनेस होवे, जागृति होवे, ऐसा ये मार्ग। आप सो नहीं सकते, अब 24 आवर्स जागृत रहना है, ये ऐसा मार्ग। इन्हें 10 घंटा में से 24 घंटे में से 2 घंटा पूजा पाठ कर लिया, 2 घंटा माला फेर लिया, 2 घंटा ये कुछ अच्छा काम कर लिए सेवा के, और बाकी के जो बचे वो खाए पिए सो गए, कमाए दमाए। आप सेवा करो, चाहे बिजनेस करो, चाहे गृहस्थ दशा हो, कैसे भी हो, अंदर की लाइन, अंदर का एक तार निरंतर परमात्मा के साथ जुड़ा रहना चाहिए। एक सेकंड भी आप हट नहीं सकते वहाँ से, हटे कि गए, हटे कि आपका चालू हो जाता है प्रॉब्लम। परमात्मा से हटोगे तो जानने देखने में रहने के बदले कुछ करूँ नहीं करूँ उसमें आ जाओ, और ये प्रॉब्लम्स है कि आपने सीमा को क्रॉस कर दिया। कर्तत्व भाव इसमें गए तो सीमा को क्रॉस किया, और जानने देखने में रहे तो बराबर आप लिमिट में चल रहे हो। फिर जानने देखने में दो स्थिति बनती है, एक सविकल्प और एक निर्विकल्प। निर्विकल्प द बेस्ट है, नहीं हो सके तो एटलीस्ट सविकल्प में तो रहना है। ये बात, ये साधना को प्रेक्ट, साधना इतनी है कि जानना देखना रहना कंटिन्यूस। इसमें जितना स्लिप होते हैं उतना हमारा ग्रेड कम इसके अंदर। और कोई क्वेश्चन है? ज्ञान के सहारे जब हम जानते देखने में रहते, जानते जानते एक ऐसा निर्विकलता का पल आता है, लेकिन उस पल हमको अगर क्या ऐसे हो सकता है कि उस पल आत्मा में अपनापन नहीं रहे और निर्विकलता भी रहे? नेवर, अपनापन से ही निर्विकलता आती है, जानने से निर्विकलता नहीं आती। अपने कोई क्वेश्चन चला था पहले, बहुत दिन पहले चला था, प्रश्न पूछा गया था कि दूसरे लोग परद्रव्य जीव को बंध का कारण है और श्रद्रव्य मुक्ति का कारण है, बात ठीक है कि नहीं? तो सब लोगों ने जवाब दिया कि नहीं, इस मार्ग में हम दुखी होते हैं उसका कारण दूसरा कोई है नहीं, लेकिन मुक्ति का कारणभूत कौन है? स्वद्रव्य। तो ये भी गलत है, स्वद्रव्य भी मुक्ति का कारण नहीं है। क्या परद्रव्य बंधन का कारण नहीं है और स्वद्रव्य मुक्ति का कारण नहीं है, क्योंकि स्वद्रव्य तो पहले भी था, अज्ञानी को भी स्वद्रव्य तो है लेकिन उसकी शांति कहाँ मिलती है? आत्मज्ञान के पहले क्या हम आत्मा नहीं थे? क्या थे, लेकिन हमको शांति नहीं थी। इसका मतलब आत्मा शांति का कारण नहीं था, शांति का कारण कौन था? आत्मा में प्रेम और अपनापन किया और नज़र वहाँ गई तो फिर हमको शांति मिली। मतलब मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य गण हूँ, ऐसा पढ़ लिया, सुन लिया, रट लिया, जाप कर लिया, निरंतर मन के आधार से स्मरण में रखा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि मन सब काम कर रहा है,
याद रखने का, रटने का, जाप करने का, विचार करने का, चिंतन करने का, मनन करने का काम कौन कर रहा है? मन आप नहीं करते, इसीलिए आत्मा को बिल्कुल शांति नहीं मिलती। इतना जरूर है कि जब वो ऐसे कार्य में रचपच जाता है कि मैं परमात्मा हूँ या उसके गुणगान गाता है, तब संसार के पाप के विचार नहीं आते हैं, उतना वो सेविंग कर लेता है, लेकिन परमानेंट शांति तो नहीं मिल सकती। अब दूसरा तरीका क्या है कि मन का आधार छोड़ करके जब स्वयं अपने को जाने भी और माने भी, ये एक ही पॉइंट ये है कि सिर्फ जानना काफ़ी नहीं है कि मैं परमात्मा हूँ, साथ में मानना है। और मानने को कब? जब अपनापन करोगे तब। और जब मैं परमात्मा हूँ ऐसा अपनापन होगा तो मैं शरीर हूँ, मेरा फलाना नाम है, मेरा ये स्टेटस है, मेरे ये घरबार है, ये सब खत्म हो जाता है। अपनापन दो जगह नहीं रहता, अपनापन एक ही जगह पर रहता है, दो जगह पर अपनापन नहीं रह सकता। इसीलिए शांति का कारण स्वद्रव्य नहीं है, शांति का कारण मैं आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ ऐसा जानना वो काफ़ी नहीं है। मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही शुद्ध बुद्ध चैतन्य गण हूँ, ऐसा उसमें अपनापन होवे तो कार्य हो। तो अपनापन में मन का कोई रोल नहीं, वो आत्मा स्वयं अपने से प्रेम करता है और अपने को स्वीकार करता है अंदर में कि वास्तव में बाहर की स्थिति चाहे जैसी हो, मैं अभी वर्तमान में पूर्ण परमात्मा हूँ, ऐसा वो अभेद रूप से मान्यता देता है अपने। फिर कार्य शुरू होता है, जब तक शुरू नहीं होता। हम लोग बहुत सारा धार्मिक कार्य जो करते हैं, चिंतन मनन आदि, सब मन के आधार से करते हैं और यही हमारा फेल होने का कारण है। दूसरों से कराते हैं सब काम, हम खुद नहीं। पूजा कराना है तो पुजारी को ले लेते हैं, भैया ये ले लो 101 रुपया, पूजा कर लेना हमारा नाम क्या। और मंदिरों में लिखाते हैं कि भाई आपको कौन सा बर्थडे लिखना है, डेथ डे लिखना है, क्या लिखना है, लिखा दो 501 रुपया दे दे, उस दिन हम आपके नाम पर पूजा कर लेंगे, आपको ये घर बैठे पुण्य मिलेगा, आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। बोलो कितना लिखाना है, का है उतना दे दो हमारे को, आपके नाम का रसीद ले लो, हर साल गायों को इतना घास आपके नाम से दिया जाएगा, आप बैठे रहो एसी कार में, बस आपको जाने की, आप पैसा दे दो खत्म, दूसरी बात छोड़ो। और सबको मुफ्त में पुण्य करना है, इसी प्रकार से मन के द्वारा रट लेना है राम 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 राम। बाद में क्या होता है, राम में रा आगे और म पीछे, बाद में क्या होता है, रटते रटते म आगे होता है और रा पीछे चले जाता है, मालूम ही नहीं पड़ता क्या, मरा 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 हो जाता है। और इसके तो रिकॉर्ड चलती है, और वो उसका ध्यान कहाँ रहता है, दुकान में, उधर उधर, भूतकाल में, भविष्य काल में, और मुँह क्या बोलता है, राम 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 राम, वो भी मरा 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 कर देता है, बाकी कुछ पता नहीं चलता है। राग द्वेष कसा है, गाली देवे तो गुस्सा, अपना टेटस का भान, ये सब अपनापन हर जगह है। उसको गाली देवे तो मालूम पड़ेगा कि क्या होता है, मुझे गाली देते हो करके हो जाता है। तो परमात्मा को, तेरे परमात्मा को तो हमने देखा भी नहीं, उसको क्या गाली देंगे हम। और जिसको देखा है वो तू नहीं है, लेकिन तुझको उससे अपनापन है। या दिलीप भाई को गाली दे तो बुरा लग जाता है, क्यों लग जाता है, बुरा नहीं लगता है तो कारण क्या है कि मैं दिलीप भाई थोड़ा हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अपनापन दिलीप भाई के साथ है और बोलना ऐसा होता है कि मैं परमात्मा हूँ, फिर क्या होगा, बोलने में तो मैं परमात्मा हूँ और फिर मानने में क्या है, नहीं मैं तो दिलीप भाई हूँ, फिर गाली दो क्या होता है, कोई परमात्मा हूँ भूल जाता है और सामने गाली देता है या फिर बोची पकड़ लेता है, क्या भाई क्या क्या बोलते हो, सबके सामने इज्जत निकालते हो मेरी, मेरी माने किसकी, परमात्मा की कि दिलीप भाई की। बस आप दिलीप भाई के साथ अपनापन है तो परमात्मा के साथ अपनापन नहीं, और परमात्मा के साथ अपनापन है दिलीप भाई के साथ अपनापन नहीं। आप दिलीप भाई को गालियाँ दो तो भी कुछ नहीं, प्रशंसा करो तो भी कुछ नहीं, क्यों, मैं दिलीप भाई नहीं हूँ, मैं परमात्मा हूँ। इसीलिए अपनापन किसके साथ है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मुँह से भले ही मैं परमात्मा हूँ ऐसा बोलो, लेकिन अपनापन किसके साथ, आपके तार किसके साथ जुड़े हुए हैं,
परमात्मा के साथ अपनापन है तो करना धरना ईगो अहंकार ये सब खत्म, मोह माया सब खत्म, कोई रहता ही नहीं, पूर्ण शांति रहती है। इसीलिए शांति का कारण भूत रटन नहीं है, मनन नहीं है, चिंतन नहीं है, क्योंकि ये मन का रोल है। अनुभव में आना और मानने में आना कि मैं परमात्मा हूँ, ये शांति का एकमात्र कारण है। इसीलिए मान्यता के ऊपर बहुत वेट है। स्वद्रव्य मुक्ति का कारण नहीं है, स्वद्रव्य में अपनापन मुक्ति का कारण है, डिफरेंस है। मोक्ष में हमको जाना है, सुखी हमको होना है, और काम कौन करे रटने करने का? मन। तो मोक्ष में कैसे जाओगे आप? मोक्ष में तो मारो गोली स्वर्ग में भी नहीं जाओगे, क्यों? आपने तो कुछ किया नहीं है, जो भी किया है मन ने किया, तो मन स्वर्ग में जाएगा, आप नहीं जाओ। मन ने राम राम बोला है, आपने थोड़ा बोला है, आप तो सो गए थे मन को देख करके। रिकॉर्ड चलती है अभी, आजकल नमस्कार मंत्र की भी रिकॉर्ड मिलती है। आप कुछ भी काम करो, टीवी देखो, सब रिकॉर्ड बजा दो, नमस्कार मंत्र भजन का रिकॉर्ड लगा दो यहाँ, बस अभी आप कुछ भी कर सकते हो। कितना किसको स्वर्ग में कौन जाएगा, ये टैप रिकॉर्ड जाएगी, आप नहीं जाओ, आप तो डूब जाओगे। देखो सस्ता हो गया है बहुत, लेकिन ऐसा सस्ता नहीं है, आपको धोखे में हो जाओगे, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। और कोई क्वेश्चन है तुमको? पूर्व कर्म के वजह से भी एक क्रोध, ये जो कसाई है डिस्टर्ब कर, तो पूर्व कर्म तो मेन इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, ये प्रश्न आता है, इधर आया है प्रश्न, पूर्व कर्म के कारण भी राग द्वेष होते हैं। हमारी इच्छा नहीं गुस्सा करने की, हमको इच्छा नहीं, हम बहुत ध्यान रखें क्या निरंतर हम आत्मा में रहते हैं, लेकिन उसी समय में उसने गाली दे दी, हमारा नसीब ऐसा है। और हम लोग उस समय ऐसे तो मैं पूरा जागृति में था, लेकिन उस समय के लिए एक सेकंड के लिए जागृति नहीं रही थी, बस वही मोमेंट उसका था कि उसने गाली दी, खलास भूल गया मैं। ऐसे में निरंतर याद रखता हूँ कि मैं जानने देखने वाला हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन वो पर्टिकुलर मोमेंट में प्रॉब्लम हो गया, थोड़ी झपकी ली इतने में उसने गाली दे दी और मैं फंस गया, अब मेरे को भी गुस्सा आ गया। पूर्व कर्म भी तो अपनी ही तो करनी है ना, वो तो भूतकाल की, लेकिन वर्तमान में जो हो रहा है वो क्या स्वयं के बीच है ना, तो पूर्व कर्म अपने को अटकते हैं तो फिर अपने। बात यह है कि पूर्व कर्म कराता है गड़बड़ की हम करते हैं गड़बड़, बात ये क्या सिद्ध करना है हमारे? अगर हमको गलती निकालना है अपनी, तो जिम्मेदारी किसी के ऊपर मत डालो। क्या ये कार्य होता है तो बहुत से फैक्टर होते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहते कि सामने वाले ने गाली नहीं दी, सामने वाले ने गाली दी है, लेकिन सामने वाले ने गाली दी इसलिए मुझे गुस्सा आया है, ऐसा क्यों बोलते हो आप? ऐसा क्यों नहीं देखते कि मैं जागृति में नहीं था, मैं मेरे परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ नहीं था, इसलिए मुझे गुस्सा है, ऐसा बोलो ना आप। अपनी गलती स्वीकार करोगे तो अपनी गलती निकालोगे, सामने वाले ने किया है तो फिर आप बैठे रहो हाथ पे हाथ धर करके, जब वो चुप होगा तब आप गुस्सा बंद हो जाएगा, क्योंकि अभी वो कराता है। तो खंभे को बात किसने भीड़ी कि चिल्लाते हो एक बचाओ बचाओ छुड़ा छुड़ा, खंभे ने पकड़ लिया है। निरंतर जाप करने से पूर्व कर्म छूटते हैं? नहीं होता है, एक गलत बात है। जाप करने से ऐसा माइंड डाइवर्ट होता है, संसार की चीज़ों में से, पाप के कार्यों में से माइंड डाइवर्ट होकर के भगवान के चिंतन में, गुण में, मनन में लगता है। मतलब पाप कर्म कम होता है, पुण्य कर्म जरूर होता है, लेकिन हमारे को शांति नहीं मिल सकती। शांति के लिए तो अपने परमात्मा के साथ जुड़ना है। मन क्यों, इसका कारण क्या है कि जाप करने में हम मन का आधार लेते हैं, आत्मा स्वयं कुछ नहीं करता, आत्मा तो बोल भी नहीं सकता है, सोच भी नहीं सकता है। जैसे देखने का काम कौन करे? आपके माध्यम से। सुनने का? ऐसे सोचने का डिपार्टमेंट कौन करता है? मन करता है। आत्मा क्या करता है? आत्मा सिर्फ जानने देखने का काम करता है।
इसलिए जानने देखने में रहेगा तो उसको फायदा होगा। देखने जाएगा, सुनने जाएगा, चखने जाएगा, सोचने में जाएगा, रटने में जाएगा, जाप करने में जाएगा तो उसका फायदा होने वाला नहीं, इसको कोई फायदा नहीं होने वाला। अब क्या करना है अपने को देखना है। अगर हमारा मोटो और गोल शांति का है तो हमको पांच इंद्रियों और ये मन, उनका आधार छोड़ करके अपने बल से, स्वयं की शक्ति से जानने देखने में रहना चाहिए। नहीं, अगर हमको शांति का गोल नहीं है और हमारा गोल ये है कि कम से कम पाप से तो बचे, हमारा गोल ये है, हमको नहीं चाहिए शांति लेकिन हमको पाप नहीं करना, अभी आप ठीक है, अभी आप भगवान के दर्शन करो, पूजा करो, भक्ति करो, दूसरे लोगों की सेवा करो, ये सब करो, अब आपको कोई मना नहीं करता है। क्योंकि आपका गोल शांति का नहीं, आपका गोल पाप से बचने का है, तो बेटर है आप टीवी मत देखो, मंदिर में जा करके भगवान के दर्शन करो। नहीं जा सकते हो तो घर बैठे बैठे उनके फोटो के सामने जाप करो, भगवान के नाम का माला फेरो, खाने के पाप से बचने के लिए आप उपवास करो, भूखे लोगों को अन्न दो, गायों को घास दो, ये सब करो। अगर आपका मोटो शांति का है तो फिर ये करने से शांति नहीं मिलेगी, बस बात इतनी है। अभी आपको चॉइस करना है कि हमको क्या करना है, पाप से बचना है उसका अलग तरीका है और शांति पाना है तो उसका अलग तरीका। लेकिन आप काम तो ऐसा करते हो कि पाप से बचने का काम करते हो और सोचते हो कि मुझे शांति मिल जाएगी, तो ये धोखा है, ऐसा नहीं होगा। बस हमारा काम इतना है कि आपको सावधान कर देना है, आप अच्छे कार्य कर सकते हो, सेवा के कार्य कर सकते हो, दान पूजा भक्ति सब कर सकते हो, महावीर स्वामी की करने को जरूरी नहीं, आप हनुमान जी की, रामचंद्र जी की, कृष्ण की भी करो तो भी आप पाप से बचे रहोगे। अगर पाप से बचना है तो महावीर हो चाहे कृष्ण हो चाहे राम हो चाहे जीसस क्रिस्ट हो चाहे अल्लाह हो, क्या फर्क पड़ता है, चाहे मंदिर में हो चाहे मस्जिद में हो, पाप से बचना है तो बच सकते हो, लेकिन शांति पाना है तो ये तरीका नहीं है। आप वो भ्रम निकाल दो माइंड में से कि मैं दूसरों की सेवा करूंगा या भक्ति करूंगा, भगवान की या जाप करूंगा तो मुझे आत्मा शांति मिलेगी, नहीं, अच्छी गति मिलेगी, सुविधा मिलेगी, प्रतिकूलता कम आएगी, क्योंकि आप पाप नहीं करते हो, लेकिन मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति तो अपने परमात्मा को जानने से ही मिलती है, और जहाँ परमात्मा को देखना होता है वहाँ ये बोलना होता है, बोलना क्या, बिना बोले भी ऐसा भाव रह जाता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही परमात्मा हूँ, ये भाव रह जाता है। एक बार यदि परमात्मा के अंदर ये भाव आ जाता है, फिर भी हम समझो गलतियाँ होती हैं, प्रतिमा को वंदन करते हैं तो उसमें वो भाव रॉन्ग है या प्रतिमा को वंदन करते वक्त? उस देखो, एक दफे परमात्मा को देख लिया क्या, तो आत्मज्ञान मानते हैं कि ये प्रतिमा हमारा रियल स्वरूप है, फिर भी समझो हम मंदिर, दूसरे मंदिरों में जाते हैं, ठीक बात, कुछ भी पाठ करते हैं तो उसमें अभी भी लाभ मान रहे हैं, ऐसा तो इम्पॉसिबल। अपने परमात्मा को जानने के बाद पहले हम हनुमान जी के मंदिर में जावे या महावीर स्वामी के मंदिर में जावे तो हमको अंदर में ये भाव था कि हमारा कल्याण हो जाएगा इससे, दर्शन पूजा भक्ति से। लेकिन एक बार आत्मज्ञान हो गया तो आप किधर भी जाओ, चाहे महावीर स्वामी के मंदिर में जाओ, चाहे हनुमान जी के जाओ, चाहे रामचंद्र जी के मंदिर में जाओ, चाहे नमाज पढ़ने जाओ उधर मस्जिद, आप चले तो गए हो लेकिन आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि वो आपका कल्याण करेंगे, इम्पॉसिबल है ये चीज़। तो जब मीरा की या किसी की मुक्ति बोलते हैं वो बात सत्य नहीं? देखो ऐसा है कि जो भक्ति करता है उसको परमात्मा मिलने का चांसेस है, मिली नहीं है मुक्ति, मिल जाएगी तो, मिल जाएगी तो इसमें किसको हाईलाइट करने का है, उनकी निष्काम जो भक्ति थी उसको हाईलाइट करने के लिए ऐसा बोला गया कि देखो कितनी अच्छी भक्ति है, हम मीरा जैसा काम करें, हम परमात्मा में इतना लीन हो जाएं, परमात्मा सामने नहीं थे तो भी वो घर बार को भूल गई, अपने राजमहल को भूल गई, सुख सुविधा को भूल गई, तो उसको हाईलाइट करने के लिए मीरा की तारीफ करो आप,
लेकिन ऐसा कहो कि मीरा को मुक्ति हो गई है, ये बात गलत है। क्या ये बात गलत है? मीरा को तेज निकल के गया था, सब बातें हैं। वो आपको हाईलाइट करना चाहते हैं कि देखो अगर आपको परमात्मा की भक्ति करना है तो ऐसे करो, निष्काम करो, तो देखो इसको इतना फायदा हो आपको भी होगा। क्या लेकिन मीरा को ऐसा हुआ इसलिए आपको भी ऐसा होगा? इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। सबका बात अलग अलग। और ये ऐसा तेज निकलना वो मुक्ति का कारण नहीं है। तेज निकले तो वो मुक्ति नहीं है, शांति मिले वो मुक्ति है। मुक्ति माने क्या? प्रकाश अंधकार वो नहीं। मुक्ति माने क्या? दुखों से छुटकारा उसका नाम मुक्ति, या शांति का मिलना उसका नाम मुक्ति। मुक्ति किसको बोलना? बंधन किसको बोलना? आदि व्याधि उपाधि में मोह माया में फंसे हो उसका नाम बंधन। और मुक्ति किसको बोलना? कि आदि व्याधि उपाधि नहीं है, राग द्वेष नहीं है, मोह नहीं है, शांति है, उसका नाम है मुक्ति। तेज और अंधकार का क्या मतलब है मुक्ति के साथ? क्या अंधेरे में हम शांति में नहीं रह सकते हैं, और प्रकाश में हम अशांति में नहीं रह सकते हैं? फिर प्रकाश और अंधकार का क्या मायने रखता है? किरण निकले नहीं निकले उसका कोई मतलब नहीं, शांति मिली कि नहीं मिली वो इम्पोर्टेंट। अगर शांति मिली तो आप मुक्ति में हो, शांति नहीं मिली तो प्रकाश हो फिर भी आप बंधन में हो, आप स्वर्ग में बैठे हो, नरक में नहीं हो, लेकिन शांति नहीं है, खत्म। वो आपके लिए स्वर्ग भी नरक, और नरक में हो लेकिन आपको परमात्मा का साथ, क्या आपको पूर्ण शांति है अंदर में। आपको आपका नरक आपके लिए नरक नहीं है, वो आपके लिए स्वर्ग से ही बढ़कर है। क्यों? कि वहाँ जाकर के भी आप परमात्मा के साथ निरंतर जुड़े रहे हो, जानने देखने में रहे हो, करने धरने में नहीं रहे। इसलिए मुक्ति किसको बोलते हैं? क्षेत्र से मुक्ति नहीं, कोई एक पर्टिकुलर प्लेस पे चले जाना उसका नाम मुक्ति नहीं, समस्त प्रकार के दुखों से छूट जाना उसका नाम मुक्ति है। मीरा भाई की भक्ति उसको हाईलाइट किया गया। मीरा भाई की जो भक्ति थी, दैट वाज अ टोटल एलिमिनेशन ऑफ द ईगो। यस यस यस, आत्मा सरेंडरशिप है। मैं कुछ नहीं, आपके हाथ में। आप बोलो जहर का प्याला पीना है, मैं पी लेती हूँ। मारना बचाना आपके हाथ में। अपनी आत्मा को भूल गए, ठीक। वो बोली कि भाई तुम हो जो भी हो, वो मीरा की तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका अब आप जो बोल रहे हैं वो ये है कि अपने आप को मत भूलो, ठीक। क्योंकि ये और वो एक ही है। एक सेकंड, मैं जब बोलता हूँ कि अपने आप को मत भूलो, इसका मतलब ये है कि मैं ये भूल जाऊं कि मैं मीरा भाई हूँ या मैं देवचंद भाई। अपने आप को भूलने की बात तो है यहाँ पर। अपने आप को भूलो और उसको याद करो जो आप रियल में हो। बात एक ही है, मीरा भाई में इसमें कोई फर्क नहीं है। मीरा भाई अपने को भूल गई कि मैं मीरा भाई हूँ और कृष्ण में लीन हो गई। हम लोग देवचंद भाई हूँ ऐसा भूल गए और अपने परमात्मा में लीन हो गए, क्या फर्क पड़ा? अपने को भूलने का मतलब दोनों इक्वल है। अपना स्टेटस, अपना सब कुछ करना धरना सब छोड़, मैं जानने देखने वाला परमात्मा हूँ, तो हम मीरा भाई बन सकते हैं? क्यों नहीं बन सकते हैं? अगर हम ये भूल जाए कि हम देवचंद भाई हैं या मैं लीला नारायण हूँ, तो हम परमात्मा बन सकते हैं? तो फिर शांति मिल गई ना उसको, खत्म हो गई बात। बात यह है कि जैसे मीरा भाई ने अपने को भूल करके परमात्मा में लीनता की, ऐसे हम भी अपने अस्तित्व को ये भूल जावे और अपने जो ओरिजिनल अस्तित्व है परमात्मा है उसमें लीन हो जाए, तो हम भी मीरा भाई हैं। ये मीरा भाई से कम थोड़े हैं, हम भी महावीर स्वामी हैं, इससे कम थोड़े हैं। हम भी रामचंद्र है, हम भी कृष्ण है। ये बात बरो, खत्म हो गई बात। बात इतनी ईजी है, हम रामचंद्र जी नहीं बन सकते, हम कृष्ण नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? रामचंद्र जी के आत्मा में और आपके आत्मा में या महावीर स्वामी के आत्मा में क्या अंतर है? आत्मा सभी का इक्वल है, चाहे चींटी का हो, चाहे परमात्मा का हो, चाहे आपका हो। हाँ, आप उनके साथ जुड़ जाओ, अपने परमात्मा के साथ, आप भी बन जाओ महावीर, आप भी बन जाओ कृष्ण, आप भी बन जाओ राम, कौन मना करता है? आप भी सुखी हो जाओ। सुखी होने का एक रास्ता है, जितने भी सुखी बन जाएंगे भावना करके वो सब राम कृष्ण महावीर बन जाएंगे। तो मीरा ने मीरा
आत्मा हो। मीरा ने अपने को भूल गया वो दिखता है, अपने को जो मीरा भाई हूँ ये भूल गई, मैं रानी हूँ, राजमहल की रानी हूँ, मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, जहर नहीं पीना चाहिए, उतना थॉट नहीं था। मेरे को सड़क पे नहीं घूमना चाहिए, ये थॉट नहीं था उसको। मान सम्मान आदर भक्ति विवेक कुछ नहीं था। क्यों नहीं था? उसका चित कहाँ हो गया था? प्रश्न में लीन हो गया। वो उसने मीराबाई को भूल गई। ऐसे हम भी भूल जाए कि मैं लीला नारायण, मेरा भी कोई घर बार बंगला मोटर गाड़ी है, मैं भूल जाऊँ और जुड़ जाओ मीरा की तरह अपने परमात्मा में, वो कोई बात, वही हमारा कृष्ण है, वही हमारा राम है, अंदर बैठा है वो, तो सारी दुनिया को जानने देखने वाला है। फिर मीरा भाई में हमारे में कोई फर्क नहीं है, मीरा मजे में थी, हम भी मजे में रहे। शरणागत भाव पूर्ण हो। शरणागत भाव के ऐसा शरणागत में झुक जाना नहीं है, आपका पैर पकड़ना नहीं है। शरणागत के पीछे हमारा एक एंगल है, हमारे समस्त दुखों का अंत करना है, राग द्वेष क्रोध मान माया लोक का अंत करना है। जिसको ये टारगेट है उसको और कोई चारा नहीं है, उसको शरण में आना पड़ता है, क्योंकि वो खुद जानता नहीं कि कैसे ख़त्म करे सब। इसलिए एक थोड़ी देर के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी रास्ता बताने वाले के चरणों में झुक जाना पड़ेगा, शरणागत से पूरा युग भी चले जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर कर्तव्य भाव खत्म हो जाएगा। शरणागत से आने का क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारे को पूर्ण शांति का गोल है, इसीलिए हम सरेंडर होते हैं। हम डॉक्टर के पास सरेंडर क्यों होते हैं? जैसा बोलो वैसा करने को तैयार है, जैसा जहाँ साइन करना है, कितना लाख रुपए देना है, दे दो, क्यों? कोई क्वेश्चन नहीं, नहीं इसके बदले ये दवा ले तो डॉक्टर चिढ़ जाता है, आपको अपनी बुद्धि चलानी है, फिर मेरे को बोलना नहीं भाई, कुछ भी हो जाएगा, डर डर के जीते हैं वहाँ पर। कैसे सरेंडर हो गए? क्या गोल है वहाँ पर? मुझे स्वस्थ हो जाना है, यहाँ नाली डाले, इधर काटे उधर काटे, भाई जो करना है कर, सरेंडर। नहीं नहीं यहाँ मत काटो इधर काटो, नो क्वेश्चन, आप कुछ बोल नहीं सकते। इतनी दवाई मत दो, थोड़ी कम दवा करो, कि नहीं वो पॉसिबल नहीं है, जैसा करे ऐसा, पूरा लटका दे ना उल्टा तो भी आप कुछ बोल नहीं सकते। नहीं वो रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम होता है, अभी क्या करते हैं मालूम है, लटका देते हैं उसको, सर नीचे पैर ऊपर, और फिर उसको पैर को डोरी बांध करके वजन रखते हैं, और हिलना नहीं, हिले तो मारते हैं, खबरदार हिला तो दरार मारने मतलब दरार लेते हैं, कि देखो अभी हिलेंगे ना, अभी थोड़ा गया है पूरा चले जाएगा, और डर के मारे हिलता नहीं, क्या अब हिलने का अलाउड नहीं, ऐसा मुंडी ऐसा कोई आना है कौन गया कुछ घर वालों को मिलने का नहीं कुछ नहीं, लटका देते हैं लोग, फिर भी हम तैयार हैं, क्योंकि हमको अच्छा होना है। इसका नाम है सरेंडरशिप, उसका नाम है शरणागति। कौन शरण में गया? जिसको शांति चाहिए वो शरण में जाता है, जिसको शांति नहीं चाहिए उसको लाख समझा भैया कि सदगुरु के पैर पकड़ लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, बोलता नहीं मेरे को अंदर से भक्ति नहीं आती, मैं क्या करूँ, सरेंडरशिप नहीं आती। कौन रोकता है? ईगो रोकता है, हमारा गोल ठीक नहीं है वो हमको रोकता है। इसलिए घड़ी में तो वो अच्छा अच्छा गुणगान तो बहुत गाते हैं, लेकिन सरेंडर होना बहुत बड़ी बात है, सरेंडर को इतना ईजी नहीं है। सरेंडर में फिर अपने अपनी बुद्धि नहीं चलाना है, जैसा वो बोले कुएं में गिर जाओ तो गिर जाना है, लेकिन हम बुद्धि लगाते हैं कि यहाँ तक तो सही है सब बात, लेकिन ये बात मैच नहीं करती, या फिर खोदते हैं 90 में से 90 मार्क गुरु को मिल गए हैं 100 में से, फिर भी अभी 10 में कहाँ गलती है, वो ढूंढना है किधर गलती है, और क्वेश्चन पूछो और क्वेश्चन पूछो और किधर तो फंस जाएंगे, क्योंकि ये अपने वाले नहीं है ना, किधर तो फंसा देंगे उसे। ये क्या है? ये सरेंडरशिप नहीं है भाई। सदगुरु भगवान नहीं है, सदगुरु त्रिकाल ज्ञान नहीं है, वो भी गृहस्थ हैं, उनसे भी बहुत सी गलतियाँ होती हैं, क्रोध मान माया लोग उनको भी हैं, लेकिन वो निरंतर अपने परमात्मा के साथ कॉन्टेक्ट कैसे करना वो जानते हैं, कोशिश भी चालू है, जो पहले थे वैसे नहीं है, इम्प्रूवमेंट है और आगे भी इम्प्रूवमेंट होगा, और जब इम्प्रूवमेंट होगा साधना की टॉप लेवल में जाएंगे तो आप पीछे पड़ोगे ना तो भी आपको जवाब नहीं देंगे, अभी उनको समझाने की बहुत खुजली है और अपने अंदर में नहीं रहते हैं, इसलिए आगरा जाना है बेंगलोर जाना है बहुत परेशानी, क्या ये खुजली बंद हो जाएगी कब?
साधना में आगे बढ़ेंगे, तब समझाने की खुद नींद नहीं रहेगी। तब आप बोला कि भैया आप जब समझा रहे तब मैं बिजनेस में पढ़ा था, अभी मैं फ्री हो गया हूँ, अभी आ जाइए आप, अभी मैं सुनना चाहता हूँ, आप थोड़ा रिक्वेस्ट करता हूँ, पैर पड़ता हूँ, आरती उतारता हूँ, आप जो भी उतारना है उतार, मेरे को समझाने का भाव खत्म हो गया। ये अपने परमात्मा के साथ ऐसा जुड़ जाएंगे ना, फिर आपके सामने देखेंगे कौन हो, कैसे हो, कितनी भक्ति करते हो। नहीं चाहिए आपकी भक्ति हमारे, नहीं चाहिए आपकी सेवा चाहते, क्योंकि हमको हमारे परमात्मा के साथ अच्छी तरह से हम जुड़ गए हैं, हमको बाहर नहीं रहना, वो मौका चले जाएगा हाथ से। इसीलिए सबसे पहले आत्मशांति का 100% गोल बना लो। अगर गोल है तो आप आ सकते हो, बैठ सकते हो, बातचीत कर सकते हो। अभी समझाने की खुजली ज़्यादा है, सब करेंगे आपके लिए क्या। अगर इसमें लेट हो गए तो फिर प्रॉब्लम है, फिर जवाब नहीं मिलेगा और इन कब आएगा नहीं मालूम। भावना तो रोज़ बातें हैं कि इतना भी परेशानी ना हो, कहीं को उपयोग बाहर रहे, लेकिन वो पॉसिबल कब होगा वो नहीं मालूम। कॉन्ट्रैक्ट भी बाकी होंगे ना कुछ, शायद आगरा वाले के कॉन्ट्रैक्ट भी बाकी होंगे, इसलिए 10 बार फ़ोन करते हैं, तो एक बार झिड़की देने के बाद कहीं को फ़ोन करते हैं, वो छोड़ते नहीं, आना तो पड़ेगा ही, क्या कर सकते हैं। तसु संत चाहिए।